हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज एट रैंडम। आज मैं बना रही हूँ ये इंस्टेंट सूजी ढोकला, और वो भी फ्राई पैन में। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और ये बन जाता है सिर्फ 10 मिनट्स में। तो चलिए, इसे बनाने के लिए मैंने ले ली है 1/2 कप सूजी, 1/2 कप दही, पानी, कुकिंग ऑयल, कुछ फ्रोजन मटर है मेरे पास, गाजर जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, सॉल्ट, जिंजर इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, हरी मिर्च, थोड़े से तिल है मेरे पास, और इनो फ्रूट सॉल्ट। तड़का के लिए हमें चाहिए होगा मस्टर्ड सीड्स, शुगर, हरी मिर्च, करी पत्ता और साथ में थोड़ा सा पानी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ले लिया है मैंने एक मिक्सिंग बोल, डाल दीजिए उसमें सूजी, एक एक करके सभी चीजें इसमें ऐड कर देंगे। डाल दीजिए दही। 10 मिनट्स में बनने वाला ये ढोकला एक परफेक्ट रेसिपी है ब्रेकफास्ट के लिए, और शाम को जब बच्चे खेल कर आते हैं और आपसे कुछ खाने के लिए मांगते हैं तो आप फटाफट से उन्हें ये बनाकर दे सकते हैं। मैंने सारी चीजें ऐड कर दी हैं इसमें। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ग्रीन चिली ना डालें, उसकी जगह आप काली मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, एक छोटा चम्मच, और थोड़ा सा पानी, एक इसका एक स्मूथ मिक्सचर बनाकर रेडी कर लेंगे हम। अब ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता, अभी थोड़ा सा ये थिक है, थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी इसमें। अच्छे से मैंने सारी चीजों को मिक्स कर लिया है और बस अब इसे हम छोड़ देंगे 15 मिनट्स के लिए। ढक दीजिए इसे और 15 मिनट्स में सूजी फूल जाएगी और ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और 15 मिनट्स हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, सूजी अच्छे से फूल चुकी है, मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। जब आप गैस पे पैन रख दे गरम होने के लिए सिम पर, तभी आप इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट ऐड करें। देखिए, मैंने छोटा एक 1 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट डाल दिया है, साथ में डाल दिया है थोड़ा सा पानी उसके ऊपर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्सचर हमारा ढोकले का बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस चलिए चलते हैं गैस की तरफ। पैन भी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे ऑयल, ऑयल को इस तरह से चारों तरफ घुमा लीजिए कि पैन अच्छे से ग्रीस हो जाए, और डाल दीजिए इसमें ये तिल। सेसमे सीड्स का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। और बस अब पूरा का पूरा मिक्सचर इसमें धीरे से पोर कर देंगे। बस इसे अच्छे से ऊपर से लेवल कर दीजिए। और इसे कवर कर देंगे, छोड़ देंगे इसे 10 मिनट्स के लिए। और ये देखिए, 10 मिनट्स बाद चेक कर लेते हैं टूथपिक से। ये टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल आई है, इसका मतलब ये अंदर से कुक हो चुका है। बस मैंने गैस ऑफ कर दी है, अब इसे ठंडा हो जाने दीजिए। तब तक हम तैयार कर लेते हैं तड़का। चलिए बनाते हैं तड़का। इसके लिए मैंने ले लिया है तड़का पैन। पैन के गरम होते ही इसमें डाल दीजिए ऑयल। ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे हम मस्टर्ड सीड्स। डाल दीजिए करी पत्ता और हरी मिर्च। और तड़का बनाते वक्त हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये ऊपर की तरफ उछल के बाहर आता है। अब डाल दीजिए इसमें थोड़ा सा पानी। डाल देंगे हम शुगर, और शुगर के मेल्ट होने तक इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अगर आप ढोकले में थोड़ा सा ज्यादा खट्टा टेस्ट पसंद करते हैं तो आप इस स्टेज पर 1/2 लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारा तड़का बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। गैस ऑफ कर देते हैं, चलते हैं ढोकला की तरफ। ढोकला थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, चलिए इसे फ्लिप कर लेते हैं। और ये देखिए,
इस तरह से फ्लिप कर लीजिए और कितना प्यारा कलर आया है ढोकला के ऊपर। ये ऊपर से क्रिस्प है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। तो आप धीरे से इसके ऊपर तड़का पोर कर दीजिए। आप थोड़ा थोड़ा करके तड़का चारों तरफ हम डाल देंगे। है ना, इसे बनाना बहुत ही सिंपल। हमेशा इस ढोकला को आप नॉनस्टिक पैन में ही बनाइए और इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना बनाइए, इसे लो फ्लेम पे ही कुक कीजिए, तभी ढोकला का बहुत ही प्यारा कलर और अच्छे से अंदर से कुक हो जाएगा। और ये देखिए, अब मैं ऊपर से इसे गार्निश कर दूंगी डेसिकेटेड कोकोनट के साथ। थोड़ा सा तेल ऐड कर सकते हैं आप उसमें। और ये हमारा ढोकला बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए, इसे आप बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं, अपने टिफिन में पैक कर सकते हैं। ये देखिए, इसे मैं अंदर से तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट है। और ऐसी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।